शहीदों के सम्मान में सरकार और समाज ने शहीद स्तंभ बनाए हैं। अगर कोई अमर शहीदों के स्तंभ सजाने संवारने की बजाय उनका नाम बदलने की कोशिश करे तो समाज में आक्रोश के शोर फूटना लाजमी है। यूपी के बरेली में ऐसा कुछ हुआ कि पंजाबी समाज के साथ भाजपाइयों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। बरेली के पौस इलाके राजेंद्र नगर में शहीद पंकज अरोड़ा चौक का नाम बदलने की कोशिश की गई। भाजपा नेताओं के मुताबिक हाल ही में राजेंद्र नगर इलाके में खुले कृष्णा ज्वेलरी शॉप के संचालकों ने शहीद पंकज अरोड़ा चौक के पास कृष्णा चौक लिखे होर्डिंग्स लगवा दिए। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो शहीद पंकज अरोड़ा चौक का नाम बदलने की कोशिश को लेकर आक्रोश फैल गया और सबके सब मैदान में उतर आए। पंजाबी समाज के लोगों ने मामले की शिकायत भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के एम अरोड़ा से की तो वे भी गुस्से में आ गए। भाजपा अध्यक्ष ने तुरंत ही नगरायुक्त निधि गुप्ता वत्स को फोन कर शहीद चौक पर कृष्णा चौक लिखे बोर्ड लगाने की जानकारी देते हुए उन्हें वहां से हटवाने को कहा। मामला शहीद के सम्मान और सत्तारूढ़ भाजपाइयों की शिकायत से जुड़ा था तो सूचना पर तुरंत ही नगर निगम का अमला एक्शन में आकर मौके की ओर दौड़ पड़ा। नगर निगम के दस्तों ने कुछ ही देर में मौके में पहुंचकर कृष्णा चौक के लगे बोर्ड उखाड़ फेंके। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर के एम अरोड़ा ने न्यूज टुडे नेटवर्क को बताया कि शहीद चौक का नाम बदलने की कोशिश किए जाने से स्थानीय नागरिक गुस्से में है। नगरायुक्त के साथ इंस्पेक्टर प्रेमनगर से मामले में कार्यवाही को कहा गया है ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। यहां बता दें कि बरेली में राजेंद्र नगर के रहने वाले जावाज लेफ्टिनेंट पंकज अरोड़ा 25 अगस्त 2003 को कश्मीर घाटी में आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दुश्मन की गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। सरकार ने उन्हें अदम्य साहस एवं वीरता के लिए बाद में मरणोपरांत सेना वीरता मेडल से नवाजा था। शहीद पंकज अरोड़ा की याद में बरेली प्रशासन व यहाँ के लोगों ने डीडीपुरम चौराहे पर संपन्न बाया है। बरेली के लोग शहीद चौक पर समय समय पर देशभक्ति कार्यक्रम कर शहीद पंकज अरोड़ा को याद करते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता गुलशन आनंद ने शहीद चौक पर कृष्णा चौक के बोर्ड लगाए जाने की घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक उदित गोयल ने इस मामले में सफाई दी है कि सब कुछ उनकी ना जानकारी में हुआ। कृष्णा चौक के पोस्टर शहीद चौक पर नहीं डीडीपुरम चौक पर लगाए गए थे। वह शहीदों का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे ही पता लगा तुरंत होर्डिंग हटवा दिए गए। देखिए कल सुबह मेरे पास फोन आया कि शहीद पंकज अरोड़ा चौक का नाम बदल दिया गया क्या। मैंने कहा क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके कृष्णा चौक के बोर्ड लग गए हैं वहाँ। मैं वहाँ देखने गया और वाकई मुझे दिखाई दिया कि कृष्णा चौक के जो बोर्ड है शहीद पंकज अरोड़ा चौक पे लगा दिए। इससे वाकई हमारी भावनाएं आहत होती हैं। हमारे लिए बहुत आदरणीय सम्मानीय शहीद पंकज अरोड़ा जी हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। तभी मैंने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और नगर आयुक्त से बात की कि क्या आपने ऐसा कुछ दिया है कि ये नाम चेंज कर दिया जाए। तो बोले नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। मैंने कहा तो इनको तुरंत ये बोर्ड हटवाइए। फिर थाना प्रेमनगर को मैंने सूचना दी, मैंने कहा इस पर कार्रवाई कीजिए कि ये किसने लगाए हैं। तो पता लगा कि एक ज्वेलर्स ने कोई दुकान खोली थी और उसने बाद में माफ़ी भी मांगी कि गलती से मैंने चौक लिखवा दिया, मैं अपना एडवर्टाइज कर रहा था। तो मैंने बहुत उसको तूल ना देकर सिर्फ बोर्ड हटवा कर उसको ख़त्म कर दिया। शहीद लेफ्टिनेंट पंकज अरोड़ा ये नौजवान राजेंद्र नगर की यहाँ का निवासी था। यहीं पैदावार अली स्कूलिंग भी हुई, हम इसको बहुत बचपन से जानते थे। और इसने माँ बाप का नाम रोशन किया, बरेली का नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया। ऐसे शहीद की याद में हम लोगों ने यहाँ एक स्तंभ बनवाया जब हम नगर निगम में सभासद थे। और आज बरेली के अंदर शहीद चौक एक पहचान रखता है। और कुछ लोग अपने विज्ञापन अपने धंधों के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। अपना प्रतिष्ठान चलाइए, अभी जैसे एक ज्वेलर ने किया, उससे पहले एक और बड़े व्यापारी ने भी किया था, तब भी उसको हटवाया था। तो ये जो मानसिकता है, अपना विज्ञापन अपने व्यवहार के नाते व्यापार बढ़ाओ सब करो, लेकिन देश के शहीदों को तो याद रखो, इस स्थान को तो छोड़ दो। लाखों रुपया सरकार का खर्च हुआ, लाखों रुपया शहीद पंकज अरोड़ा के पिताजी ने अपने पास से जलशाला बनवाई है, किसी का सहयोग नहीं लिया उन्होंने। और हम अगर उनके साथ भी इस प्रकार का प्रचार करते हैं जिस नौजवान ने कारगिल युद्ध में अपनी जान दे दी, अपनी यूनिट को बचाने के लिए चिथड़े चिथड़े उड़ गया,
कैसे उसका शव वहाँ से लेकर हम आए थे। अटल जी की सरकार थी, जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री थे, संतोष जी मंत्री थे, तो डेड बॉडी यहाँ आने का प्रावधान नहीं था। वो कह रहे थे माता पिता को यहाँ भेज दो, मैं तो उस वक्त राजनीतिक रूप से सक्रिय था, भाई हम डेड बॉडी वहाँ नहीं यहाँ लाएंगे, वहाँ आपको संस्कार करना है कर दीजिए, माता पिता वहाँ नहीं आएंगे, बेटा हमने खो दिया, वृद्ध माता पिता भी रास्ते में कहीं खो दें, तो फिर दबाव पड़ा। उनके साथ साथ 5 डेड बॉडीज़ और आई थी इंदौर, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में उतरी थी, और किन हालात में दाह संस्कार हुआ था हम जानते हैं साहब, पूरी बरेली की आंखें नम थी। और मैजा तो विज्ञापन एजेंसियों से, प्रतिष्ठानों से हाथ जोड़ के आग्रह, इन चौराहों के इन स्थानों को बख्श दें, अपना व्यापार करें, विज्ञापन प्रचार सब करें, खुली छूट है आपको भी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें शहीदों के नाम पर। नहीं, ये गलत हुआ, और नहीं, शहीद चौक पे पहले तो लगा नहीं था, ये लगा था डीडीपुरम चौक, लेकिन ये गलत हुआ था, मेरी जानकारी में नहीं था, और जैसे मेरी जानकारी में आया तुरंत हटवा दिया। शहीदों का नाम साहब सबसे पहले शहीद हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं ना, वो बॉर्डर पर खड़े हैं तो हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, तो ये काम जिसने भी करा गलत करा। नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो जो भी कार्रवाई करनी होगी, जो इसकी सक्षम अथॉरिटी है वो करेगी, एक ही पोस्टर लगा था वो तुरंत हटवा दिया, यही जानकारी में आया तो हटवा दिया।